previous video, we discussed about sources of food. Plants food as a sources of food, we already discussed. And in plants ke jo parts hai, wo food mein kaise use karte hai, ye humne dekha hai. Now, today we have to discuss about animal products as a food. Yani animal se jo bhi products milte hai, unka food ke taur pe kaise use kiya jata hai. First hai milk. मिल्क पीता है हमें काऊ, बफेलो, गोट, कैमल, इनसे जो मिल्क मिलता है वो हम हमारे फूड में या फिर उसके मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं और उनका फूड आइटम में यूज किया जाता है. सेकंड इज द मीट. मीट मीन्स मटन वगैरह जो है गोट से मिलती है, चिकन या फिश, इन सभी से जो भी मीट मिलती है वो हम हमारे फूड में यूज करते हैं. थर्ड इज द एग्स. एग्स मिलते हैं हमें हेन, डक, टर्की, इन सभी से जो एग्स मिलते हैं वो भी हम हमारे फूड आइटम्स में यूज करते हैं. फोर्थ है मरीन फूड. मराइन फूड मतलब जो सी फूड है वो, वहाँ से हमें मिलते हैं प्रॉन, श्रिम्स, क्रैब, ये सभी हम हमारे फूड आइटम्स में यूज करते हैं. जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो ज्यादातर फिश का यूज करते हैं एज देयर फूड आइटम, यानी अपने फूड में वो ज्यादा से ज्यादा फिश का यूज करते हैं. और जैसे हमने सुना है पोल्ट्री फार्म. पोल्ट्री फार्म मतलब जहाँ पे बर्ड्स वगैरह या फिर हेन वगैरह को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में पढ़ाया जाता है. सेम वैसे ही एक जगह पे एक बड़ी टैंक में फिश को रियर किया जाता है और उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, उनकी देखभाल की जाती है और उस प्रोसेस को कहते हैं पिसिकल्चर. ये वो जगह पे होता है ताकि जो फिश है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं पिसिकल्चर. नेक्स्ट फूड आइटम्स हमें मिलता है इंसेक्ट से. इंसेक्ट में आते हैं हनी बीज. हनी बीज दीज आर द इंसेक्ट, यानी जो मधुमक्खियां है वो इंसेक्ट है, लेकिन उसे जो हनी मिलता है वो भी हम हमारे फूड में यूज करते हैं. हनी बीज का यूज करते हैं मेडिसिन में भी और नरिशमेंट में भी, और उनका यूज फिर से होता है एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक्स आल्सो यूज, दीज आर यूज्ड इन एंटीसेप्टिक्स. तो इन्हें कहा जाता है इंसेक्ट और ये भी हम हमारे फूड आइटम्स में यूज करते हैं. जैसे अभी हमने देखा था कि पिसिकल्चर, पिसिकल्चर मतलब जहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में फिश को रियर किया जाता है, सेम वैसे ही हनी को भी एक जगह पे यानी उनकी जो पैदाइश है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ाई जाती है और वो प्रोसेस को कहते हैं एपिकल्चर. यानी एपिकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ रियरिंग हनी बीज ऑन अ लार्ज